अभी हमारे संपादक श्री गंगाचरण मिश्र जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं देश में मतगणना की क्या स्थिति है और जबलपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के क्या रुझान है। मनीष जी, सबसे बड़े बात तो ये है कि ये लोकसभा चुनाव 2024 एक बड़े मुद्दों के साथ लड़ा गया, जिसमें बहुत सारे मुद्दे थे। महंगाई, बेरोजगारी, विकास का भी एक मुद्दा था और 400 पार का भी एक नारा था। बहरहाल भाजपा ने, कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन और एनडीए ने एक चुनाव बड़े ही उत्साह के साथ इसको लड़ा गया। और अभी जो स्थिति सामने आ रही है जबलपुर के बारे में, तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के आशीष दुबे जो हैं वो लगभग लगभग जीत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लगभग 65,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं अपने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव से। और देश के हालातों पे अगर गौर करें तो दिग्गज नेताओं की स्थिति पे अगर नजर डालें तो गांधीनगर से अमित शाह जी बहुत आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली, इन दो सीटों से चुनाव लड़े थे, वो भी वहां पर आगे हैं। उत्तरी दिल्ली से कन्हैया कुमार जो है वो पीछे चल रहे हैं। पटना में रविशंकर प्रसाद आगे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में पीछे चल रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने केएल शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया था और उन वो आगे चल रहे हैं। अरुण गोविल जो रामानंद सागर की रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाई थी, वे मेरठ से पीछे चल रहे हैं। करनाल से मनोहर ठक्कर आगे हैं। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती रुझानों में पहले कुछ पीछे थे, लेकिन इस समय वो काफी बढ़त बना चुके हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। और मध्य प्रदेश की स्थिति जहां तक देखें तो 29 सीटों में अभी तक जो सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें 29 सीटों में भाजपा के प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जो भाजपा में गए थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं गुना से, वो बहुत आगे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। तो कुल मिला के अभी जो तीसरे और चौथे चरण के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए बड़ी राहत की खबर है कि 29 में से 29 सीटों पर वो इस समय बढ़त में है।